नमस्कार, मैं जितेश वोरा मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस कमेटी से व्यापार व उद्योग सेल का जिला अध्यक्ष। पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर के अंदर कोविड पेशेंट की समस्या गंभीर होती जा रही थी, यहाँ हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। ये देखते हुए कांग्रेस के माजी आमदार श्री मुजफ्फर हुसैन साहब ने देखा कि आगे ये समस्या और गंभीर होगी, इसके लिए उन्होंने 24/7 कोविड हेल्पलाइन सेंटर चालू किया था। वो कोविड हेल्पलाइन सेंटर के अंदर 2 मई से लेकर आज तक कई पेशेंट को थाना के अंदर, मुलुंड कोविड सेंटर के अंदर, दहीसर कोविड सेंटर में, BKC के अंदर, नेस्को के अंदर कई पेशेंट को शिफ्ट किया गया, क्योंकि मीरा भाईंदर कोविड सेंटर में जगह नहीं थी। यहाँ पर हमने वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ICU के लिए, रेमडेसिविर वगैरह इंजेक्शन की जो शॉर्टेज थी उसके लिए कई पेशेंट को हमने मदद की है। लेकिन अभी धीरे धीरे स्थिति ऐसी होती जा रही है कि कोविड के पेशेंट कम होते जा रहे हैं। समस्या ये है कि अभी फ़ोन जो आ रहे हैं वो वैक्सीन के लिए ज़्यादा आने लग गए। वैक्सीन के लिए जब प्रधानमंत्री हमारे TV के ऊपर आके बोलते हैं कि अभी 18 साल से बड़े लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, सबको वैक्सीन मिलेगा, पब्लिक वैक्सीन सेंटर के ऊपर दौड़ लगा देती है। वहाँ आने के बाद उनको ओरिजिनल स्थिति मालूम पड़ती है कि 18 साल के ऊपर का वैक्सीन अभी चालू ही नहीं हुआ। अबाउ 45 जो वैक्सीन मिल रहा था, वो भी सेकंड डोज जो पहले 28 दिन पे था उसको 45 डेज किया गया और अभी लास्ट में उसको 84 डेज के लिए किया गया। दूसरी बात यह है कि अभी जो वैक्सीन आ रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी महंगे दिए जाने की चर्चा है। जो वैक्सीन जो था कोविशील्ड, यहाँ पर वो प्राइवेट में अगर लेने जाएंगे तो बोला जा रहा है कि 1000 रुपया लगेगा, और जो रशियन वैक्सीन आ रहा है स्पुटनिक उसका 2700 रुपया चार्ज लिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। आज तक हिंदुस्तान के अंदर जितने भी वैक्सीन दिए गए वो सिर्फ फ्री ऑफ चार्ज दिए जा रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की नीति ऐसी है कि आज फॉरेन से वैक्सीन खरीद के लाने पड़ रहे हैं और यहाँ पर महंगे दामों में बेचने की स्थिति आ गई है। क्योंकि ये स्थिति क्यों आई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपनी मर्जी से लेते हैं। सदन में कोई भी विषय की चर्चा किए बिना अपनी मर्जी में जो आते हैं वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में बने हुए लाखों वैक्सीन विदेश के अंदर एक्सपोर्ट कर दिए, जिस वजह से यहाँ के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं बचे और ये स्थिति पैदा हो गई। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि यहाँ के लोगों की सहूलियत देखें, हर आदमी को वैक्सीन फ्री में मिले, किसी को भी पैसा देना नहीं पड़े, वैक्सीन का पूरा इंतजाम करें और ये पब्लिक को समस्या आगे जाके खड़ी नहीं हो उसका बंदोबस्त करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।